बोलिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। और ये आज मैं क्लीनिंग कर रही थी अलमारी की, अपनी अलमारी को साफ़ कर रही थी, तो मुझे है ना इसमें से खाली डब्बे मिले, तो मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ इसका कर लिया जाए, इसका रीयूज। और ये इसमें मेरे बेटे के कपड़े आए थे, वो गर्मी के कपड़े थे, ऐसे ही ड्रेस थी इसमें। और वो इस फोटो को है ना हमेशा रखता है, खेलता है फिर रख लेता है, तो वो डब्बे में ही रख रखे थे। और तो फिर मैंने इन डब्बों को खाली करके है ना, कुछ भी बाहर से नहीं लिया है, जो चीज़ मेरे पास रखी थी उसी का मैंने यूज़ किया है। और ये मैं इसमें है ना 2 दिन लग गए थे मुझे, थोड़ा थोड़ा कर लिया था क्योंकि सूखने में टाइम लगता है, तो मैं इस पर है ना फेविकोल लगा रही थी। ये बची हुई फेविकोल थी इसमें, शीशी में जितनी थी वो तो मैं इस पे लगा दूंगी अच्छी तरह से। और एक डब्बे को इसमें एक के अंदर रख के इसको सेट कर लूंगी अच्छे से। और इससे है ना ग्लू गन से अच्छा चिपक जाता है, लेकिन मेरे पास नहीं थी ग्लू गन, जो मेरे पास था मैंने उसी से ही बनाया है, क्योंकि बच्चे सब पढ़ते हैं ये फेविकोल के थोड़ा बहुत बच जाता है, तो मैं अलग रख देती हूँ। बिल्कुल भरी हुई डब्बे चाहिए उनको और ऐसे निकल भी नहीं पाता, मैंने कहा चलो मैं इसका यूज़ कर देती हूँ। ग्लू गन नहीं है तो क्या है, जो चीज़ अपने पास है हम उसी को से बना लेते हैं कुछ अपना DIY, और घर में काम आने वाली चीज़ है। तो ये देखिए, ये मैंने एक डब्बे के अंदर इसको ऐसे चिपका दिया है, और इसको चिपकने में है ना सेट होने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो फिर मैंने ये जो मेरे कपड़ों की क्लिप थी वो मैंने इसमें लगा दी थी, फेविकोल भी इतना नहीं लगाया था, तो हाथ से लगा के मैंने इसमें सारे में क्लिप लगा दी थी, अच्छे से सेट हो जाएंगे। इसको मैं सेट करने के लिए रख दूंगी, और जब ये सूख जाएगा उसके बाद इसको हाथ लगाएंगे, चिपकने में टाइम लेता है। और इसी तरह मैं अपना दूसरा डिब्बा भी ऐसे ही सेट कर लूँगी फेविकोल लगा के, और फिर इसको मैंने सूखने के लिए रख दिया था। और ये मेरे पास है जो गिफ्ट रैप होता है ना, वो रखी हुई थी, तो इससे क्या होगा इसका लुक थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा और देखने में भी सुंदर लगेगा रखा हुआ, क्योंकि चीज़ें क्योंकि डेकोर हो गया है ना, और सुंदर लगती है देखने में भी सुंदर लगती है और इफेक्ट भी अच्छा पड़ता है। तो इसको हम फिर सफाई से चिपकाएंगे। ये शीट, ये 2 शीट थी मेरी, क्योंकि एक लगाती तो मैं कम पड़ जाती इसमें, तो इसका अंदर पार्ट में मैं अलग लगाऊंगी और जो बाहर का पार्ट है उसमें अलग से लगा दूंगी, अच्छे से चिपका देंगे इसको फेविकोल से। और इसका है ना पहले हम मेज़र कर लेंगे कि ये हमें कितना लगाना है, क्योंकि अंदर की सीट छोटी कटेगी और जो बाहर से चिपकेगा वो थोड़ी सी साइज़ में बड़ी होगी, तो पहले मैं इसका मेज़र कर लूँगी और इसको यहाँ से अच्छे से चिपका देंगे। और सफाई से चिपकेगी तो और ज़्यादा सुंदर लगेगी, लेकिन मैं पहली बार बना रही थी, मेरे से इतना साफ नहीं बना जैसा बनना चाहिए था, तो पहली बार ट्राई किया था, अगर अच्छा बना तो डब्बे तो सभी के घर में रखे रहते हैं, तो फिर मैं दोबारा से फिर ट्राई करूँगी और अच्छा लुक लाने की कोशिश करूँगी, अगर ये मेरा बनके सुंदर लगा तो फिर मैं इसको है ना साइड से, मैंने अपनी उंगली से ही लगाया था, लेकिन अगर ब्रश हो तो और भी अच्छा है, ब्रश मुझे नहीं मिल रहा था, क्योंकि बच्चे हैं ना अपने चीज़ों को इधर उधर रख देते हैं, कितना भी संभालने की कोशिश करो टाइम पे है ना कोई भी चीज़ टाइम पे तो नहीं मिलती, तो मैंने इसको यहाँ से चिपका के अंदर की साइड मोड़ दिया था, और जो इसके कॉर्नर थे वहाँ से कट कर दिया था, तो अंदर चिपकने में आसानी से चिपक जाएगा कॉर्नर से काट के। देखिए यहाँ से है ना अलग से मैंने शीट लगाई थी क्योंकि ये कम पड़ गई थी,
तो मैं इसको यहाँ से जो एक्स्ट्रा है उसको मैं काट दूंगी। और बच्चों के है ना चीज़ें इतनी सारी हैं जो अलग इधर उधर पड़ी रहती है तो वो एक जगह सेट हो जाती है इस तरह का DIY बनाने से। अच्छा चिपक गया था ये अच्छे से। और फिर मैं इसका अंदर का नाप ले लूँगी, जितना भी ये अंदर है इतनी ही शीट काट दूँगी, क्योंकि फिर अगर थोड़ा सा भी बड़ा रहेगा ना तो वो अच्छे से अच्छा नहीं लगेगा, उसमें वो सफाई नहीं आएगी जो आनी चाहिए, देखने में अच्छा भी लगना चाहिए। और एक बात है, जैसा हमने इसको डबल किया है तो इसमें है ना मजबूती भी बहुत आ गई थी, अच्छे से मजबूत हो गया था। और ये टेप थी जो इनके जॉइंट थे ना वो बत्ते से लग रहे थे ना, वो बोर्ड जो दिखाई देता है गत्ता, तो वहाँ पर मैंने ये टेप लगा दी थी, ये जो कलर्ड वाली टेप है उससे और सुंदर लग रहा था। ये कॉर्नर भी इसके है ना अजीब से नहीं लग रहे थे, वो दब गए थे। तो देखिए एक ये मेरा बनकर तैयार हो गया है, बहुत सुंदर लग रहा था देखने में तो, और कलर भी इसका मैचिंग सा बहुत प्यारा लग रहा था। और फिर मैंने इसका ऐसे ही दूसरा जो मेरा डब्बा था उसको चिपका दिया था। और ये थे है ना ये मेरे जो पेपर रोल नहीं होता उसको जो उसके अंदर से जो निकलता है वो मैं इकट्ठा कर रही थी, मैंने कहा काम आ जाएंगे, कोई भी चीज़ हो मैं चीज़ों को देखती रहती हूँ कि कौन सी काम आने लायक है तो मैं उसको रख देती हूँ। और फिर मैंने इस पर है ना ब्लैक कलर कर दिया था और थोड़ा सा मैंने इसको काट भी दिया, ये मुझे ज़्यादा बड़े साइज में लग रहे थे तो मैंने इसको काट दिया था। और ये जो मेरा ब्लैक कलर का एक्रेलिक पेंट था मेरी बेटी का रखा था वो ही मैंने इस पर कर दिया था और इसको अच्छे से सुखा लिया। और के जॉइंट पर मैंने ये टेप लगा दी थी, देखिए बार बार उखड़ भी रही थी क्योंकि मेरा है ना मेरे पास सर्जिकल कम था और इसमें है ना जो ये अच्छे से नहीं चिपकती है। तो फिर मैंने इसको दोबारा से मैंने इसको सेट किया था और सर्दी के टाइम पर सूखने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो देखिए मेरे दोनों डब्बे बनकर तैयार हो गए हैं अच्छे से। अब हम इसको इसमें ये जो मेरे पेपर रोल के थे वॉल पेपर के, और चलिए अब हम इसको कर देते हैं सेट। और इसको भी मैंने फेविकोल से ही सेट किया है और थोड़ी देर सूखने के लिए रख देता हूँ क्योंकि फेविकोल सूखने में थोड़ा सा टाइम लेता है। और अच्छे से इस पर फेविकोल लगा दीजिए, अगर आपके पास है ना ग्लू गन है तो वो और भी अच्छा है, ग्लू गन चिपकने में इतना टाइम नहीं लेती है। और फिर मैं इसको दूसरे गत्ते को भी अपने इस पर सेट कर दूँगी अच्छे से, और देखिए बहुत सुंदर लगेगा, लोग भी ट्राई करना क्योंकि ये चीज़ है ना घर में सभी के घर में होती है, ख़ासतौर से अगर छोटे बच्चे हो तो यह डब्बे वगैरह ज़्यादातर निकलते ही रहते हैं घर में, तो इसका क्यों ना एक अच्छा सा रीयूज़ कर लिया जाए। तो देखिए चिपक गया है, ये चिपकने में थोड़ा सा टाइम लेगा, हिल रहा था बार बार। तो देखिए ये हमारा प्यारा सा स्टैंड बनकर रेडी हो गया है, बहुत सुंदर था और काफ़ी मजबूत भी है, काफ़ी मजबूत बन गया था ये, इसको आप कैसे भी हिला ले। घर में है ना कुछ नहीं भी चीज़ बना लो वो बेकार नहीं होती है। और मेरा ये प्यारा सा स्टैंड बनकर तैयार हो गया है और इसको मैंने ना ये और इसके ऊपर मैं डाल दिया ये कवर और इसको मैं साइड में यहाँ पे फिट कर दूंगी। और यहाँ पर एक वो भी यहाँ पर फिट जाएगा और इसमें मैं अब रखती हूँ इसमें सामान जो मेरा डेली का सामान होता है, मतलब अलमारी में घूमने की जरूरत नहीं है।
है, ऐसे ही निकाल के यहाँ से उठा लो। तो चलिए इसको रखते हैं अब।